इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जामिनेशन पेन यस हमारी क्लास पाइपन सिस्टम के ऊपर। हम हाजिर हैं गाइस शाम को 6 बजे, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह फटाफट शेयर कर दें गाइस, जिससे कि मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। यस, कल हमने पढ़ा था एक बहुत अच्छी मैराथन क्लास जिसपे थी हमारी पार्ट टाइम एंड वर्क के ऊपर, और आज पाइपन सिस्टम के ऊपर गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह फटाफट शेयर कर दें गाइस क्लास को, एंड यस उसके बाद डिस्कस करेंगे आज के बेहतरीन क्वेश्चन और कल के जो कुछ बचे हुए होमवर्क क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको दिए थे पाइपन सिस्टम के ऊपर का, इस उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोगों के साथ शेयर कर देंगे इस क्लास को, एंड यस स्टार्ट करते हैं इस क्लास। दिस इज माय नेम इज भानु पालावत, आई हैव टॉट मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड मेंटर एंड कोच फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन गाइस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एंड यस दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द टॉप बैचेस। बैचेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ अप्रैल गाइस, 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो गए। ऑल यू नीड टू जॉइन द बैचेस गाइस, एंड दीज आर द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, जो कि आपको मिलते हैं अनअकैडमी के एक प्लेटफॉर्म पे गाइस। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे आपको 40,000 से ऊपर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 98% ट्रस्टेड है बैंक एक्सपीरियंस का गाइस, 70 प्लस आपको एजुकेटर्स मिलते हैं, एंड यस हर महीने 30 प्लस बैचेस में जाने का एक्सेस करने का मौका मिलेगा। दिस इज टीम ABP, 12 अप्रैल 2021 से आपके बैचेस स्टार्ट हो गए गाइस। ऑल यू नीड टू जॉइन द बैचेस, दिस इज बैंक कॉम्बैट स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 crore गाइस, यू कैन पार्टिसिपेट इन द बैंक कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप फॉर योरसेल्फ गाइस। आपके पास हर संडे को 10 बजे होता है गाइस, आपको रजिस्टर कैसे करना है खुद को, रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज BHANUP, भानु भी का इस्तेमाल करेंगे, तो यू विल एनरोल योरसेल्फ एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप फॉर योरसेल्फ। बैंक कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के बाद आप खुद के लिए स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं गाइस, बेहतरीन मौका है, तो फटाफट पार्टिसिपेट करिए गाइस। दिस इज द सब्सक्रिप्शन प्लान्स, 1 month सब्सक्रिप्शन प्लान कितना है गाइस? 1300, 3 months के लिए कितना है? 3255, 6 months के लिए कितना है गाइस? 5200, और इतना ही नहीं 12 महीने के लिए कितना है गाइस? 6500। आप मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज BHANUP, भानु पी को इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम ऑफ मिलने वाला है। ध्यान रहे गाइस कि आपके पास अभी मेगा ऑफर भी चल रहा है। मेगा ऑफर क्या है आपके पास? यदि आप 1 year सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल एडिशनली गेट 2 months फ्री। इफ़ यू बाई 2 years सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एडिशनली 4 months फ्री गाइस। ऑल यू नीड टू जॉइन विद माई कोड, दैट इज BHANUP, भानु भी को इस्तेमाल करना है गाइस, ठीक है? तो सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइस, एंड यस दीज आर द फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलती है अनअकैडमी के एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंग्लिश की बात हो, रीजनिंग की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, GA की बात हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल गाइस, राइट? चलिए, दिस इज ऑल सेट फॉर द क्लास गाइस। यस लीलाधर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम गाइस कल के जो 5, और लीलाधर कल आपने यदि क्लास मिस की थी तो कल 15 जो क्वेश्चन थे वो बहुत बेहतरीन लेवल कॉन्सेप्ट थे, प्लीज़ उनको देख लेना, नहीं तो कल मैं उसको स्पेशल क्लास में लूँगा। टाइम एंड वर्क के ऊपर सुपर स्पेशल क्वेश्चन थे वो, तो कल उसकी एक स्पेशल क्लास या तो मैं रख दूंगा, तो उसमें अपन आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है? वो 15 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल थे, 15-16 क्वेश्चन थे, और उसके बाद करोगे तो टाइम एंड वर्क बहुत आसान लगेगा, ठीक है? तो कल उसको स्पेशल क्लास में रख लेंगे, ठीक है? और जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो भी आज डिस्कस करेंगे। चलो, पाइपन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मैंने लगा दिए गाइस, अच्छा लेवल है, एंड जल्दी से शेयर मार दें क्लास को और आ जाओ फटाफट भाई। चलो भाई, आंसर करते रहो फटाफट। यस गाइस, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड अनदर पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स। पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम, पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अनदर हाफ टाइम गाइस, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? यस, ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। यस गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में हर जगह गाइस आते हैं, तो फटाफट अपने का आंसर करिए फटाफट, उसके बाद हम लेके चलेंगे किस तरीके से आंसर करना है गाइस। यस यस रतिका, गुड इवनिंग,
आंसर बताएं गाइस। पच्चीस मिनट में टैंक को भर सकता है ए गाइस, और दूसरा पाइप जो बी है वो कितना, 30 मिनट में। एलसीएम कितना हो जाएगा? थ्री हंड्रेड मान लेंगे इस। थ्री हंड्रेड लीटर का टैंक है गाइस, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10, या फिर 150 मान लेते तो भी आंसर आया था। यस 150 मान लो यार, चलो 150 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 से थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है 150 मान लेते हैं। 25 सिक्का 150, 30 पंजों। यस हर्षित सिंह 150, ठीक है 150 मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है इस, ए और बी को आधे समय के लिए खोला गया, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप, ओके क्या बोल रहे हैं, पाइप ए और बी को आधे समय के लिए खोल गया, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाए गए। ओके फाइन, एक बार इसमें हिंदी में क्लियर नहीं, इंग्लिश में देखते हैं गाइस। पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम, मतलब पाइप ए को आपने खोला है आधे समय के लिए, एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अनदर हाफ। मतलब यदि हाफ ऑफ द टाइम के लिए खोलेंगे गाइस, तो आप मुझे बताओ, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। लीलाधर, इसमें इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में शायद टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती करी है, और कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। आप मुझे बताओ कि मान लो कि टू टी टाइम में अपने पास ये टैंक फिल होता है, तो टी टाइम के लिए आपके पास क्या खोला है गाइस? ए खोला है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 प्लस। टी टाइम के लिए दोनों खोले, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो मिलकर टैंक कितना हो गया गाइस अपने पास? 150 हो गया। तो आपके पास कितना हो गया? यस क्लियर हो रहा है गाइस। तो एंड पाइप अनदर हाफ, ए एंड बी आर ओपन फॉर द अनदर हाफ टाइम, ठीक है गाइस। तो कितना हो गया अपने पास? 17 टी बराबर कितना हो गया? 150 हो गया। ओके, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सही तो है, क्या दिक्कत है यार? सर ए की एफिशिएंसी 0.5 आएगी। क्या कर रहे हो यार, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? 25 मिनट है ना, मैंने 150 माना है, 25 सिक्का 150, क्या दिक्कत आ रही है? ओके फाइन, ऊपर भी अलग अलग है, फाइन फाइन फाइन। एक मिनट रुको यार, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन ही गलत है, मेरी गलती है, इट्स इट्स माय बैड गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश से लेके चलते, हिंदी से मत करो। आपसे बोल रहे गाइस, ए कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट्स, जबकि बी कितना, 25 मिनट में भर सकता है। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? 150। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5, और इसकी कितनी आएगी? 6 आएगी गाइस, ठीक है। ये उल्टा है गाइस, ठीक है। ए को आपने हाफ टाइम के लिए खोला, तो कितना हो गया? 5:2 टी, और प्लस कितना? 11 टी बराबर कितना हो गया? 150। क्लियर गाइस, 16 टी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 150 हो गई। टी की वैल्यू कितनी होगी? 150 अपॉन कितना हो गया? 16। आपसे पूछा है गाइस कितनी देर में भर जाएगा, आपको 2t की वैल्यू निकालनी है, तो यस कितना हो जाएगा अपने पास? 150 अपॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2t करूंगा तो 8 एकम 8, 7, 8 2 64, और 6/8, 6/8 कितना हो गया? 3/4, मतलब 18 मिनट और कितना? 45 सेकेंड गाइस। यस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऊपर नीचे अलग था गाइस, मैं उसको हिंदी से रीड कर रहा था, इंग्लिश में भी गिवन है। रेस क्लियर है या नहीं है गाइस? प्लीज आप इंग्लिश से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, हिंदी से मत करें, हिंदी में लैंग्वेज गलत है। क्लियर है? यस रितिका, इज इट क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। चलिए बताएं,
यस गाइस, क्या बोल रहा है? पाइप ए और बी दो पाइप है जो अलग अलग 20 और 25 मिनट पर टैंक को भर सकते हैं। हालांकि टैंक के निचले पार्ट में एक क्या है, लीकेज है, जो भरे हुए टैंक को 30 मिनट में यह कर सकता है खाली। यदि टैंक शुरू में खाली है, दोनों लोगों को खोलने के बाद टैंक कितनी देर में भर जाएगा, इस बताएं। सारे क्वेश्चन का लेवल गाइस बहुत अच्छा है, नए क्वेश्चंस डाले हैं सारे और आपके लिए बेहतरीन लेवल है गाइस, ठीक है? तो इन सब लेवल को अपने को डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा लेवल है। यस गाइस, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, फाइन। क्या बोल रहा गाइस? देखो, ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, हर्षित सिंह। बी कितनी देर में गाइस? 25 मिनट में। और एक लीकेज है गाइस, सी मान लिया उसको, जो टैंक को 30 मिनट में क्या कर सकता है खाली, ठीक है? 30 मिनट्स में खाली। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस? 300 ही आएगा अब तो एलसीएम, 300 लीटर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इस? 15 लीटर लीटर पर मिनट भरने वाला है, एफिशिएंसी प्लस। इसी कितनी हो जाएगी? 12। और इसी कितनी हो जाएगी? माइनस का 10 लीटर पर मिनट। यदि कोई खाली करने वाला है गाइस, तो अपने पास एफिशिएंसी कितनी होगी? नेगेटिव आएगी। अब आपसे बोल रहे गाइस कि यदि टैंक शुरू में खाली है, तो दोनों लोगों को टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? लीकेज भी चालू है। आप मुझे बता दो गाइस कि ये कितना भरेंगे? 27 भरेंगे, 10। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इम्पैक्ट कितना आएगा गाइस? भाई ए कितना भरेगा? 15। ये कितना भरेगा? 12। और ये 10 खाली करेगा, तो 17 लीटर पर मिनट। लेकिन ये प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन का मतलब शो होता है कि इस टैंक फिल होगा मेरा, मतलब 300 अपॉन कितना हो जाएगा? 17। 17 वन ज़ा 17, 17 7 ज़ा 119, और कितना हो गया? 17 वन ज़ा 17 कितना हो गया चुके अपने पास? 130। और ये 11 बचा होगा, 11 बाई 19, 11 बाई 17। यस, एब्सोल्यूटली फाइन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से कई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? बेसिक बेसिक चीजें हैं। चले आगे, आज की क्लास बहुत मजेदार होगी, अच्छे क्वेश्चन होंगे। कल भी अपन ने बहुत अच्छा लेवल डिस्कस किया था गाइस, और क्वेश्चंस का लेवल हमेशा मैं अच्छा रखता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 42 मिनट्स एंड 35 मिनट रिस्पेक्टिवली। तीसरा पाइप जो सी है गाइस, वो 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट बाद आपने सी को खोला है, मतलब सी को आप कब ओपन कर रहे हो? 12 मिनट के बाद। तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा, ये जल्दी से बताओ। यस, गुड इवनिंग वेदांत।
हाँ जी, केज के आंसर करेंगे। हर्षित सिंह, ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलो देखते हैं। जो पहले सही आंसर देगा गाइस वो मेरा विनर होगा। इस बार हर्षित ने आंसर दिया, लास्ट टाइम रितिका ने आंसर दिया था। देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? चलो, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस होगी, जल्दी करेंगे, ठीक है गाइस? एक कंपटीशन भी रहता है। अच्छा, ए किसी 42 मिनट में फिल कर सकता है, बी कितनी देर में गाइस 35 मिनट में, और सी कितनी देर में? साठ मिनट में गाइस। तो ये कितना है, 6 × 7 है, ये 5 × 7 है, और ये कितना 6 × 12 है गाइस, सॉरी 5 × 12 है। आप कहोगे एलसीएम में देखो गाइस 12 × 5 × 7 ले लूं, क्योंकि 12 और 5 में 6 भी कट जाएगा, तो 12 × 5 कितना हो गया 7, 60 और 7 से करूंगा 420 एलसीएम आ गया। क्लियर हो गया? तो यस। अब ये कितनी बार कट रहा है, 10 बार। इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई गई, 5 × 7 भाई, 7 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार, और 5 से कितनी बार 12 गाइस, और ये कितनी बार कट जाएगा इस 7 बार। तो जो खाली कर रहा है गाइस, ये खाली कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, नेगेटिव। बाकी की एफिशिएंसी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब आपने 12 मिनट बाद सी को कितना है गाइस, तो 12 मिनट तक तो सिर्फ ए और बी ही काम करेंगे, तो ए और बी 12 मिनट में ऑलरेडी कितना भर देंगे, आप मुझे बता दो गाइस। भाई ये 10 भरता है और ये 12 भरता है, ठीक है? तो 12 मिनट में ये कितना भर देगा, 144, और ये कितना भरेगा, 120। तो मतलब दोनों मिलकर कितना भर देंगे गाइस, 4 160, 264। अब बच कितना गया गाइस, जो बच जाएगा वो आपके पास क्या भरेंगे, तीनों। तीनों मिलकर कितना भरते हैं, 22, 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा इस 15, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना भरेंगे गाइस, आप देखोगे ये 10 भरेगा, ये 12 भरेगा, और ये माइनस का 7 करेगा, तो कितना हो गया, 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 15। तो आप बाकी निकाल लोगे इस 264, 36 तो यहाँ से बच गया, तो 120 और 36, 156, और 156 में 15 का भाग लगा दो, पंद्रह ढाई का, और ये कितना हो गया, 6/15, 6/15 24 मिनट, तो कितना हो गया, 10 मिनट और कितना, 24 सेकंड। तो पहले 12, अब 10 मिनट 24 सेकंड, तो यस ऑप्शन नंबर ए आएगा गाइस आंसर, 22 मिनट 24 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो गाइस, हर्षित आंसर गलत हो गया थोड़ा सा, कहाँ गलती की बताओ। वन सिक्सटी सिक्स ले लिए, कहाँ से ले लिए 1? ओके, उसको ओके फाइन, 156 से 166 ले लिया, ओके फाइन। और देखो आंसर भी आ गया। बेसिकली क्या है कि हम जब आंसर, एग्जामिनर भी इतना होप रखता है कि आपने यदि कुछ गलत किया है तो उसके हिसाब से भी आंसर कुछ लेके चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आना चाहिए। दो नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए को कितने समय बाद बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा इस। गाइस आंसर करो, तो आसान सा क्वेश्चन है यार, इजिएस्ट वन।
क्या आंसर करोगे इस? देखो क्या बोल रहे हैं, ए किसी टैंक को 48 मिनट में भर सकता है और बी कितना 36 मिनट में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इस? 144 लीटर। दोनों फिलिंग पाइप हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? प्लस का कितना 3 और इसे कितनी? प्लस की 4। क्लियर गाइस? अब आपको बोल रहा है ए को कितने सेकंड में बंद किया जाएगा पूरा टैंक। अच्छा पूरा टैंक 25 मिनट और कितना 30 सेकंड में, तो 25 मिनट 30 सेकंड में बी तो कभी बंद नहीं हुआ गाइस, तो इतनी देर में बी ने तो अपना काम करा होगा, तो बी का वर्क निकाल दूं मैं, बीज वर्क 17.5 ईयर सत्य का देखते हैं। तो बी एक मिनट में कितना भरता है? 4। तो 25 मिनट में कितना भर देगा? 100 प्लस एक मिनट में 4 भरता, तो आधा मिनट 30 सेकंड में कितना भर देगा? 2। मतलब बी कितना भर देगा गाइस अपने पास? 102। 102 यदि बी भर देगा तो बचेगा कितना? एक 144 का टैंक है, 102 बी ने भर दिया, तो 42 ए भरेगा। अब ए एक मिनट में कितना भरता है? 3 भरता है गाइस, तो 42 भरने में 42 अपॉन 3 मतलब 14 मिनट लेगा। मतलब ए को मैं 14 मिनट बाद बंद करूंगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो रितिका क्लियर है या नहीं है? सो ये आपके पास अप्रोच होनी चाहिए गाइस। क्लियर है गाइस? बोलो यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Yes guys, क्या आंसर आएगा? क्या क्वेश्चन था गाइस? मैं देख ही नहीं पाया। टू फिलिंग पाइप्स ए एंड बी कैन फिल सिस्टर्न इन 56 एंड 63 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट 7 मिनट बिफोर द सिस्टर्न विल फिल पाइप बी इज क्लोज। अच्छा 7 मिनट पहले आपने किसको बंद कर दिया? पाइप बी को क्लोज कर दिया। हाउ मेनी टाइम एंड हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल इन हाउ मच टाइम टाइम विल द सिस्टम टेक टू फिल गाइस, आपको ये बताना है। यस यस गाइस, कहाँ पे थे? अच्छा आंसर करोगे इस? क्या आएगा? देखो अभी यहां पे यस गाइस, व्हाट शुड बी योर रिप्लाईज? यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन क्या आंसर आएगा आपके पास।
ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 56 ए एंड बी कितना गाइस? 63। ओके, फाइनल इनका एलसीएम कितना है गाइस? वॉट शुड बी द एलसीएम? दिस इज 7:8, दिस इज 7:9, तो 7 तो कॉमन आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 504 गाइस। एलसीएम इज इंपॉर्टेंट, एलसीएम इज 504। डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9, और इसकी कितनी आएगी? 8 गाइस। ठीक है, बस क्वेश्चन टिपिकल कहाँ पर है? सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर टिपिकल लग रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं है गाइस। आपसे बोल रहा है कि टैंक भरने से 7 मिनट पहले आपने बी को बंद किया, तो आप कहोगे गाइस लास्ट से मैंने 7 मिनट पहले बी को बंद कर दिया, तो लास्ट के 7 मिनट तो डेफिनेटली ए ने काम किया होगा और बाकी कौन बचे होंगे? ए और बी। बिकॉज यहाँ से आपने लास्ट के 7 मिनट्स में आपने सिर्फ बी को क्लोज किया है, तो लास्ट के 7 मिनट्स में सिर्फ ओनली ए वर्क करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है गाइस? 9 है। 7:9 यदि करूंगा तो ए ने 63 लीटर फिल किया होगा। यस, क्लियर? मेरे पास जो टैंक की कैपेसिटी वो कितनी है? 504 है। 63 यदि माइनस करूंगा तो आई विल गेट 1, 9 में से 3 और कितना? 431। ये 431 आपके पास दोनों मिलकर फिल आउट करेंगे। इस दोनों मिलकर कितना फिल आउट करते हैं? 17 करते हैं। 17 टूजा कितना हो गया अपने पास? सॉरी, 34, और ये 9 बचेगा, तो 17 फाइव जा कितना हो गया अपने पास? 85, और ये कितना बचेगा अपने पास? 85। क्या हुआ जल्दी बताओ, कुछ गलती की क्या? बिफोर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। लेकिन 7 मिनट से पहले तो लास्ट के 7 मिनट में अपने पास टैंक ए तो फिल करेगा। इस ए कितना भरता है? 9 भरता है ना? ओके फाइन, ए तो 9 भरता है ना गाइस, तो 9:7 63 फिल करेगा एंड करना होगा। ओके, ऐड करना होगा। ओके फाइन, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकता हूँ गाइस। मैं वो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। वो वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है, यदि कोई लास्ट से काम को छोड़ रहा है तो मैं उसको ऐड अप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको भी यदि आप ऐसे करना चाह रहे हो उससे कर दो कि लास्ट के 7 मिनट में बी कितना काम करेगा। बिकॉज बी 1 मिनट में 8 भरता है, तो लास्ट के 7 मिनट में 56 भरेगा ना, तो कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 560 हो गया। अब 560 में आप किसका डिविजन कर दो? 17 का, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो कितना हो गया? 17 51, और कितना हो गया? 5, 17 2 34, तो 32 सही, 16/17 मिनट। यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज द फाइनेस्ट अप्रोच गाइस, ये थर्ड बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, अपन उसमें उलझे ना, ये अप्रोच भी अपन ने डिस्कस की हुई है, डोंट वरी, मैं इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ गाइस। आप मुझे बताओ कि यहां से 7 मिनट पहले बी छोड़ के जा रहा है, तो बी को यदि नहीं छोड़ूंगा तो आपके पास हमेशा ए और बी साथ में रहेंगे। मतलब बी यदि नहीं छोड़ेगा तो लास्ट के 7 मिनट में 56 और भरेगा, मतलब टैंक कितना फिल होगा? 560, और अपॉन 17 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट माय रिप्लाई गाइस। क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है गाइस? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो नेक्स्ट वन गाइस। देर आर 4 पाइप्स अटैच टू अ टैंक, देर इज पी क्यू आर, फिल इट इन। 4 टैब्स हैं आपके पास, लेकिन पी क्यू आर फिल कर सकते हैं 20 घंटे, 30 घंटे और 36 घंटे में रिस्पेक्टिवली। एंड एस इज ड्रेन पाइप, मतलब एस खाली करने वाला, जो 45 घंटे में क्या कर सकता है? खाली। सभी को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो पाइप को पी को 2 घंटे बाद बंद किया जाए, और 3 घंटे बाद आपने आर को बंद किया, और टैंक को भरने से 3 घंटे पहले आपने एस को बंद किया है। तो यदि आप इसको डायरेक्टली करना चाहेंगे तो शुरुआत से जो छोड़ रहा है गाइस उसको आप माइनस कर दो, लास्ट वाले को प्लस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको उस बेसिक तरीके से करोगे तो भी आप कर सकते हो। फटाफट आंसर करोगे इस किस तरीके से आप आंसर करेंगे? यस,
Yes, guys, what should be your reply? Please, you can comment in the comment section. Directly, we can answer all these kind of questions, guys. ठीक है, P Q R N S, yes, the efficiency निकाल दो पहले, 20, this is 30, this is 36, and ये कितनी देर में गाइस, 45 minutes में क्या कर सकता है, खाली, this is the drain pipe, तो इसकी efficiency क्या आएगी, negative आएगी, ठीक है, अब important क्या है गाइस, इनका LCM, तो LCM कितना हो गया, 180, इसकी efficiency कितनी आएगी, 9, इसी कितनी आएगी, 6, 135, और इसी कितनी गाइस, 4, लेकिन ये नेगेटिव में आएगी, ध्यान रखना गाइस, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी। अच्छा, पी को आपने 2 घंटे बाद बंद किया है और 3 घंटे के बाद आर भी, मतलब आर 5 घंटे बाद बंद हुआ है गाइस। तो यदि मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, एक बार आप ट्राई करो गाइस, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। एंड ये प्लीज कॉमेंट दी राइट आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन गाइस। प्लीज ट्राई, देन आई गेट बैक टू यू गाइस कि आपके पास क्या आंसर होता है, आंसर सही है या नहीं है, आई लेट यू नो। यस गाइस, सिंपलेस्ट ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन गाइस, चलिए, यस प्लीज आंसर गाइस। देखते हैं गाइस, देखो, अच्छा यदि मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, पी 2 घंटे बाद बंद किया है तो पी का 2 घंटे का माइनस कर दूंगा इस, शुरुआत से करा ना, पी यदि काम ही नहीं करता 2 घंटे में कितना 18 भरेगा, मतलब 18 नहीं भर रहे, और सबको एक साथ खोला है मैंने, ठीक है, और 3 घंटे बाद इस, ठीक है, तो इसको 5 घंटे बाद, ये 5 घंटे में कितना भर देगा 30, इसको मैंने माइनस कर दिया, और लास्ट से कौन गाइस, लास्ट से कौन छोड़ रहा है, ठीक है, और टैंक भरने से 3 घंटे पहले एस, यदि एस को 3 घंटे पहले बंद नहीं करता, ठीक है, तो एस कितना खाली और करेगा आप मुझे बता दो गाइस। यदि एस भी काम करेगा तो एस भी तो खाली करेगा, तो एस कितना माइनस 12 और खाली करेगा, तो ये कितना हो गया गाइस, 60, तो 60 खाली होगा तो अब टैंक कितना हो गया, 120 हो गया। अब यदि 120 टैंक हो गया गाइस, तो जिसको आपने माइनस किया है, मतलब इसको मैं भूल गया और इसको मैं भूल गया, मतलब मैं बस सिर्फ पी और एस रह गए गाइस, तो पी और एस यदि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 1 रह जाएगी गाइस, तो 120 अपॉन 1 जिसको आपने माइनस किया उसको भूल जाओ, तो आंसर कितना आएगा इस, 120 आवर्स लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस सौरभ शाह, गुड इवनिंग। Is it clear, guys? 120. अच्छा लेवल कॉन्सेप्ट है गाइज जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आया सभी का आंसर या नहीं आया, प्लीज बोलो गाइज। प्लीज़ यार कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, पता पड़ जाए मुझे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। चलें गाइस आगे, चलो नेक्स्ट वन गाइस, क्या बोल रहा है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 और 30 मिनट्स में भर सकते हैं गाइस, एक थर्ड पाइप सी है जो कि 8 आवर्स 20 मिनट्स में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है,
तीनों को आपने 1 PM, 4 PM एंड 6 PM पे खोला है, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? ऑल यू नीड टू फाइंड आउट गाइस, बताएं गाइस। यस गाइस, क्या आंसर आएगा? आसान है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोल रहा है? एक 24 आवर्स में गाइस टैंक को फिल कर सकता है, जबकि बी कितना? 30 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है। और सी कितना गाइस? यदि मैं इसको आवर्स में चेंज करूंगा गाइस, तो 20 मिनट्स कितना हो गया? 1/3 हो गया ना, 8 1/3 हो गया, तो कितना हो गया? 25/3 आवर्स गाइस। क्लियर हो रहा है? बिकॉज 20 मिनट्स इज नथिंग बट 1/3 आवर्स, मैंने इसको देख लिया गाइस। अब आप इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 या फिर 600? 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है अपने पास? 120। या 600 आएगा एलसीएम। फाइन, 600 लीटर का टैंक है गाइस, 24 की एफिशिएंसी, भाग लगाओ 12 से 2 बार, 12 से कितनी बार गाइस? 50। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 25। ये कितना? 0 से 0 कितना हो गया? 20 हो गई। और 25 से कितनी बार कटेगा गाइस ये? फिर 3 से मल्टीप्लाई, 25 से कम, 25 दूनी 50, 24, और 24 × 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 48 गाइस। लेकिन ये खाली करने वाला है, तो गाइस इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? नेगेटिव। क्लियर? बिकॉज दिस इज द ड्रेनिंग पाइप। आपने 1 बजे और 6 बजे गाइस, तो 1 से 6 बजे तक भाई ए इतना खुलेगा, बी कितना? 4 से 6 बजे तक भाई कितना फिल करेगा? उतना फिल करेगा। देखो 1 से 6 बजे तक 5 घंटे में गाइज ये कितना भर देगा? एक एक घंटे में 25, तो ये कितना भरेगा? 125 भरेगा। अच्छा, ये 2 घंटे में कितना भरेगा? 20 × 2 कितना? 40। आपके पास 165 लीटर फिल हो गया। क्योंकि यदि अपने पास सी जब ओपन हो जाएगा ना, सी की एफिशिएंसी ज़्यादा है गाइज, तो टैंक देखो ना क्या होगा। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं गाइस, तो आप मुझे बताओ इफेक्ट क्या पड़ रहा है गाइस। ये 25 फिल कर रहा है, ये 20, लेकिन ये 48 खाली कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, अपने पास 45 फिल हो रहा है और 48 खाली हो रहा है, तो माइनस का 3 लीटर पर आर, तो 3 लीटर पर आर है गाइस। तो अब अपने पास टैंक 165 भरा हुआ है, तो यस 165 भरा हुआ है, तो 3 से डिवाइड कर दो गाइस। यस गाइस, बताओ क्या आंसर आएगा? इसको आप कर लो गाइस। पता नहीं यार, क्या इतना लेंदी जा रहा है सॉल्यूशन। 24 घंटे, 30 घंटे और 25/3, सही तो कराएगा इस। सी का 72 माइनस होगा ना? जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट रुकना। 600/25, अच्छा ठीक है, 24 थी, 72 भी तो होगा। फाइन, मैंने इसको 2 से, 72 होगी इसकी एफिशिएंसी, -72 होगी गाइस। तो -72 होगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे एफिशिएंसी लगाना गाइस एक बार, 45 और कितना? 22 और 5 कितना? 27। ठीक है, तो यस, अब 27 से भाग लगा दो गाइस।
तीन से काट लो, 9 बार 3 पंजू 15, और यस 3 पंजू 15, 9 से कितनी बार गई, 9 6 54, 1/9, और ये आपके पास कितना हो जाएगा इस, देख लो 6 घंटे लगेंगे यहाँ से, 6 घंटे का मतलब कितना हो गया इस, आप देख लो 6 घंटे किसमें जोड़ोगे, 6 घंटे जोड़ूंगा तो 12 बज रहे होंगे। अब देखो 1/9 को चेंज करना है तो गाइस 60/9 कर दो, तो 9 6 54, 6 मिनट, और फिर कितना हो गया, 6/9 बचा होगा ना, 6/9 का मतलब कितना हो गया इस, अपने पास 2/3 हो गया, तो कितना 6 मिनट एंड 2/3, 2/3 को मैं सेकंड में चेंज करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 20, 40 सेकंड, तो यस 12:06, 40 सेकंड गाइस, यस एब्सोल्युटली फाइन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यस रितिका यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट गाइस। सो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई लेकिन ठीक है गाइस, बहुत नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है गाइस, तो अपने को इस तरह के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्लियर है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो बताएंगे गाइस, अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 25 आवर्स, अ टैप विच कैन फिल 80 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट इज टर्न्ड ऑन गाइस, आपसे बोल रहे कि एक नल जो प्रति मिनट 80 लीटर की दर से पानी भर सकता है, टैंक के साथ जुड़ा हुआ है, एक लीकेज और भरने वाला टैंक को नल खोल देंगे तो 45 मिनट्स में टैंक क्या हो सकता है गाइस खाली, तो आपसे पूछे टैंक की कैपेसिटी कितनी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक गाइस। यस गाइस का आंसर होगा, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस करते रहे जिससे कि मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ता रहे, यस ठीक है। चलिए गाइस मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाइस ठीक है, मान लो कि खाली करने वाला है, ये 25 घंटे में क्या कर सकता है गाइस खाली, और दोनों को यदि मैं तो भी टैंक क्या हो रहा है, देखो गाइस खाली कितना 45 सेकंड, 45 घंटे में, देखो इस ये एरो का मतलब क्या है गाइस कि अपने पास नेगेटिव एफिशिएंसी आएगी, 25 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो गाइस 24 27, देखते हैं गाइस क्या आंसर आएगा। यस एलसीएम कितना आएगा इस, 25 घंटे में खाली, दोनों खोल दिया 45 घंटे में खाली, तो ये कितना है 5 × 5 है, और ये कितना है 5 × 9 है गाइस, तो आपके पास एलसीएम कितना हो गया 5 × 45, मतलब 225 लीटर की आपके पास एलसीएम, डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी -9, डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी -5, ठीक है। अब आपको गाइस ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है -5 है, जबकि ए की एफिशिएंसी -9 है, तो इसकी एफिशिएंसी +4 होगी या नहीं होगी, बोलो गाइस। तो जिसके बारे में एफिशिएंसी आपको गिवन होती है, तो यदि +4 गिवन है तो ये आपके पास 5 × 45 वाले को इतनी देर में भर सकता है नहीं, क्योंकि ये पूरे टैंक की कैपेसिटी मैंने मानी है 225, और ये इतनी देर में भर सकता है, इतने घंटे में भर सकता है बी। अब आपके पास बी 1 मिनट में कितना भरता है गाइस 80, 1 मिनट में यदि 80 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुना कर दूं, और इतने घंटे में कितना भरेगा, यही तो टैंक की कैपेसिटी होगी गाइस 45/4, तो 4 से कितनी बार 20 भर गई, 20 × 5 = 100, और ये 130 आगे गई, और 45 × 6, 45 × 2 कितना हो गया गाइस अपने पास 90, और 9 × 3 कितना हो गया 77 गाइस, यस
तो ये आपके पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. यस एब्सोल्युटली फाइन. यस रितिका, आप कुछ गलती की है, कोई दिक्कत नहीं है. यस फाइन, थैंक यू लीलाधर फॉर आंसरिंग. चलें गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गाइस ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और लगा दिया. गाइस जल्दी से आंसर करो, देखो फटाफट रिपीट करना है. सौरभ इसको कर लें फिर अपन रिपीट करेंगे, इस क्वेश्चन करने के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है फाइन, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है गाइस. बस एरो ध्यान से लगाया करो गाइस. यदि टैंक भर रहा है तो एरो ऊपर की तरफ, टैंक खाली हो रहा है तो एरो नीचे की तरफ. एरो हमें ये बताता है कि टैंक भरेगा या खाली होगा, मतलब एफिशिएंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यस गाइस, व्हाट शुड बी योर रिप्लाइज? लाइक शेयर एंड कॉमेंट गाइज कर दें प्लीज, लाइक एंड शेयर कर दें, कॉमेंट तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है फाइन. इतना टाइम कैसे लग गया? बस डिजिट डिफिकल्ट डालता हूँ गाइज मैं, और कुछ नहीं करता. सारे 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, देखो. थोड़े स्मार्टली आंसर करोगे इस फटाफट. चलो मैं करा था, कोई दिक्कत नहीं है. दो पाइप ए और बी गाइस, कितनी देर में? 55 मतलब कितना हो गया, 5 × 11 ब्रेक कर दिया करो मिनट में गाइस. और बी कितना, 6 × 11 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, फिलिंग है गाइस. और निकास पाइप कितना, इतने गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं है. सभी तीनों पाइप खोलें 2 घंटे में, तो 2 घंटे में गाइस तो मतलब कितना हो गया, 120 ले लूँ, ठीक है, क्योंकि मिनट मिनट तो यहां पे मिनट होना चाहिए. 120 का मतलब कितना हो गया, 12 × 10 हो गया गाइस. अब इसका एलसीएम कितना होगा, 11 तो आएगा, और आप कहोगे 5, 6 और 12 और 12 और 10, इन सब का एलसीएम कितना हो गया भाई, 60 ले लो ना, 60 में इसका भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, तो 60 ये मैंने ले ली. इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 11 से 11 कट गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12. इसकी एफिशिएंसी 11 से 11, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 10. जब डिवाइड करूंगा गाइस, अब आप कहोगे कि नहीं, यहाँ पे 5.5 आएगी, ठीक है, क्योंकि देखो ना ऊपर भाई 11 × 60 है और नीचे कितना हो गया, 12 × 10 हो गया, तो कितना हो गया, 5.5 आ गई, ठीक है. अब आप देखो सी यदि खाली करने वाला है तीनों पाइप, मतलब ये आपके पास जो एफिशिएंसी है तीनों की ये गई, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की. आपको गाइस ए और बी कितना फिल कर रहे हैं, 22, जबकि ये कितना 5.5 क्या करते हैं गाइस, अभी भी वापस क्या हो रहा है, तो टैंक भर जाता है. सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी गाइस पॉजिटिव में कितनी आएगी, 5.5 आएगी, ठीक है. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी गाइस, 22 हो गई, प्लस सी बराबर कितना हो गया, 5.5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15.5 लीटर पर मिनट गाइस. क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, नेगेटिव में आएगी. और नेगेटिव साइन का मतलब है सी क्या करने का, इस खाली करने वाला, तो सी
पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगाएगा भाई, 15.5 से डिवाइड कर दूं, और इतने मिनट लगाएगा, और एक मिनट में कितना भरता है इस 1320 मल्टीप्लाई करूंगा तो कैपेसिटी पता पड़ जाएगी, इसको भी हटाए तो कितना हो गया, ठीक है? तो किससे कैंसिल आउट करें, ये 16.5 आएगा, सॉरी गाइस 16.5, ठीक है? तो यहां पे 16.5 आएगा, ठीक है गाइस? पॉइंट हट गया, 11 से कितने कट रहे हैं, यस 11 एकम 11, 11 5 55, 15 चौक 60, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 132 × 4, तो गाइस कितना हो गया, 32 × 4 कितना हो गया, 128, और कितना हो गया, 528, यस 00 गैलन, बिल्कुल ठीक है। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? पता पड़ जाता है मुझे जहां पर वैल्यूज कट रही होती हैं गाइस, परेशान मत हो। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, एब्सोल्युटली फाइन लीलाधर। यस सौरभ, आपको कहां दिक्कत थी आप मुझे बताओ। सौरभ क्लियर है या नहीं है बताओ। बस जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है गाइस, उसकी आप टाइम निकाल लो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अपने को पता है कि जो कैपेसिटी होती है गाइस वो कितनी होती है, एफिशिएंसीज टू टाइम। यदि मुझे किसी की एफिशिएंसी पता है तो उसका टाइम मैं निकाल दूंगा गाइस। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए गाइस कि यदि किसी की कैपेसिटी निकाली एफिशिएंसीज टू टाइम गाइस, तो मुझे खाली करने वाले की एफिशिएंसी पता है, खाली करने वाले का टाइम मैं निकाल दूं, तो मल्टीप्लाई करते हैं कैपेसिटी पता पड़ जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन को समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 25 मिनट में भर रहा है और ये 25 मिनट में खाली कर रहा है, ए और बी मिलकर 45 मिनट में खाली कर रहे हैं, तो मैंने 225 मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, माइनस का 9, इसी कितनी आएगी, माइनस का 4 5, क्योंकि खाली कर रहे हैं गाइस। तो ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, माइनस का 5, इसकी माइनस का 9 है तो इसकी प्लस का 4 होगी गाइस, तभी तो माइनस का 5 आया यहाँ पे। प्लस का 4 मतलब ये 4 लीटर प्रति घंटे भरता है गाइस। तो अब आप मुझे बताओ गाइस कि 225 लीटर को भरने में कितना टाइम लगा, 4 से भाग लगा दूं बी, इतना टाइम लगाएगा। अब आप, मैं आपसे कहूं कि ये 80 लीटर प्रति मिनट भरता है, तो यदि 80 लीटर प्रति मिनट भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 80 × 80, और कितने घंटे में टैंक को भर सकता है, इसको मल्टीप्लाई करता है 225 × 4, तो ये आपके पास आंसर होगा। तो सौरभ ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, यस क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देख लो सो अब नीलाधर, यार आरआरबी एसओ का एक बार आप करके देख लो क्या, आप सभी लोग लाइक तो कर दो यार, 10 लोग आप देख रहे हो, लाइक चाह रही हैं। यस गाइस, पता है क्या आंसर आएगा, तेईस नल लगे हुए एक टैंक में गाइस, इसमें से कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट 24 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि आउटलेट 40 घंटे में टैंक को क्या कर सकता है, खाली। सभी नलों को एक साथ खोल दूंगा तो 40 घंटे में टैंक फिल हो जाएगा, तो आउटलेट पाइप्स का नंबर्स कितना होगा ये आपको बताना है गाइस।
यस गाइस, व्हाट शुड बी योर रिप्लाई गाइस? आउटलेट पाइप का नंबर कितना होगा? ओके फाइन। देखो गाइस, यहाँ से हम एलिगेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विदाउट एलिगेशन भी कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है गाइस? एफिशिएंसी इज टू टाइम। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको बोल रहा है कि 23 उसमें नल लगे हुए हैं गाइस, कुछ इनलेट है, कुछ आउटलेट है। प्रत्येक जो इनलेट है गाइस भरने वाला है, 24 घंटे में टैंक को भर सकता है, और जो आउटलेट है वो कितना, 40 घंटे में टैंक को क्या कर सकता है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो मतलब इनकी एफिशिएंसी, मैंने टैंक की कैपेसिटी 120 लीटर मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, 24 पाँच बार, और ये कितना, माइनस का 3 गाइस। ठीक है, अच्छा, अपने को सिर्फ इस फॉर्म, कल अपन ने एक सिगरेट वाला क्वेश्चन किया होगा गाइस, तो वो सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा ही तो क्वेश्चन अपन कर रहे थे कल, सिगरेट वाला किया था ना। देखो, अब यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा इस, कि मान लो कि इनलेट जो पाइप है वो एक्स हैं, तो आउटलेट कितने हो जाएंगे, 23 माइनस एक्स हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो एक इनलेट पाइप 1 मिनट में कितना भरता है, 5, 2 कितना भरेंगे, 10, मतलब एक्स कितना भरेंगे, 5x भरेंगे 1 घंटे में गाइस ये। और आप मुझे बताओ आउटलेट कितना, 23 माइनस एक्स, ये खाली करेंगे, और ये कितना खाली करता है, 3 खाली करता है, तो ये 1 घंटे का इम्पैक्ट आएगा, इतना भरेगा इतना खाली करेगा। और सभी नलों को आपने कितनी देर में भर दिया गाइस, सभी नलों खोलने में 40 घंटे में, और बराबर कितना हो गया अपने पास, ऐसा करने से मेरी कैपेसिटी तो आएगी, पूरा टैंक भर जाएगा, क्लियर हो रहा है? तो 40 से कितनी बार, 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। अब आप इसको कर सकते हो बहुत ईजीली गाइस, कुछ भी नहीं है। यस, कितना हो गया अपने पास, माइनस का 3x प्लस का 3x, मतलब 8x हो गया, और ये कितना हो गया, 69 हो गया, 69 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 9 हो जाएगी। एक्स यदि 9 है तो अपने पास इनलेट पाइप कितने हो जाएंगे, 9, तो आउटलेट कितने हो जाएंगे अपने पास, 14 गाइस। ओके फाइन, थैंक यू अतुल सर, गुड इवनिंग। इनलेट एंड आउटलेट, यस गाइस, क्लियर है या नहीं है? यस गाइस, क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट वन गाइस, ये अच्छा लेवल क्वेश्चन है, और इस लेवल के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में आते हैं गाइस। दो नल 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं गाइस। एक आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है जो प्रति मिनट 100 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि निकास नल खुला है तो एक टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं गाइस। टैंक का आयतन ज्ञात करें, बहुत सुपर्ब लेवल क्वेश्चन है गाइस, बताएं। थोड़ा ध्यान से रहते का, क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं है। यस लीलाधर, क्या आंसर आएगा?
ऑप्शन नंबर ए फाइन, अप्रोच क्या थी वो इम्पोर्टेंट है गाइस। मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के दोबारा डाला है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। कई बार क्या होता है हम लॉजिक पढ़ लेते हैं गाइस, जब तक हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। देखो बेसिकली क्या है गाइस, ये आपके पास टैंक है गाइस, इसके आधे स्तर पर मान लो कि यहाँ पर एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है और इनलेट दो ऊपर से भर रहे हैं गाइस, ये दो इनलेट भरने वाले, ठीक है। अब आप मुझे बताओ गाइस, इनलेट पाइप जो हो गए ए और बी हो गए, मैंने मान लिया कि ये कितना 20 मिनट में और ये कितना 30 मिनट में टैंक को भर सकता है, तो मैंने कैपेसिटी कितनी मान ली 60 लीटर की, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 और इसकी कितनी, प्लस का 2। तो गाइस ये आउटलेट कब एक्टिवेट होते हैं, आधा पाइप आधा टैंक भरने के बाद ही तो एक्टिवेट हो गई है। आप बताओ 60 लीटर की टंकी, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 30 होगा भाई, 30 तो पहले भरेगा ना, तो मैं इस सी की एफिशिएंसी निकाल। आप बताइए जो निकास पाइप है गाइस वो 100 लीटर पानी बाहर निकालता है प्रति मिनट, तो मैं बता दूं कि इस निकास पाइप पूरे टैंक को खाली कितने दिन में कर देगा, तो मैं उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास पता लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ गाइस कि ये 30 लीटर भरने में ए और बी कितना टाइम लगाएंगे, दोनों मिलकर 5 से भाग लगाऊंगा तो कितना, 6 मिनट लगाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ भरने में 6 मिनट लगते हैं गाइस, तो पूरे टैंक को भरने में कितना मिनट लगता है, 24, तो ये 18 मिनट में भरा होगा या नहीं भरा होगा, बोलो गाइस 18 मिनट में। 18 मिनट में कौन भर रहे हैं गाइस, तीनों ए प्लस बी प्लस सी, और कितना भर रहे हैं अपने पास 30 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरा होगा, 30 से भाग लगा दो, ये इनकी एफिशिएंसी देगी, क्योंकि 30 मिनट में 18 मिनट में 30 लीटर भराएगा गाइस, 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो 1 मिनट में कितना होगा, 30/18 भाई 6 से काटते हैं 5/3, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है गाइस वो कितनी हो जाएगी, 5/3। अब आप मुझे बताओ गाइस ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, माइनस का 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10/3 लीटर पर मिनट। माइनस साइन मुझे ये शो करता है कि सी मेरे पास खाली करने वाला है, तो सी पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, इसका भाग लगा दो कितना लगाएगा, 18 मिनट, और सी 1 मिनट में कितना खाली करता है, 100 खाली करता है ना, इस 18 में कितना खाली करेगा, 1800 लीटर। यस लीडर एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस। लॉजिकल एंड सुपर क्वेश्चन, रिपीट कर दूं आपके पास, आपको पास देखो गाइस इसके जो जो आउटलेट पाइप है वो आधे स्तर पर लगा हुआ है, मतलब आधा इस आधा भरने के बाद ही आउटलेट एक्टिवेट होगा, तो 24 मिनट में भरते हैं, तो भाई 30 मिनट में कितना, 6 मिनट में भर देंगे, तो ये बाकी जो 30 लीटर है तीनों ने भरा होगा ना गाइस 18 मिनट में। कहता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी 18 मिनट में, 18 मिनट में 30 लीटर भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 30/18, 6/5, मतलब 5/3, ये तीनों की मिलकर एफिशिएंसी, सी की निकालनी, ए और बी की माइनस कर दो, ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 5 है गाइस, तो 15 माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10/3 हो गया, तो सी मतलब माइनस का 10/3, 30 कहां से आया, 60 लीटर की टंकी है तो आधा तो 30 लीटर ही तो होगा। यस सौरभ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, 60 लीटर का टैंक यार, आधा स्तर कितना हो गया, 30 तो होगा यार उसका, अट्ठारह कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा, अब देखो सी 10/3 लीटर पर मिनट खाली करता है, तो सी अकेला पूरे टैंक को खाली करने में कितना लगा, 10/3 का डिवीजन कर दो, तो सी अकेला 18 मिनट में टैंक को खाली कर देगा, क्लियर है या नहीं है बोलो। अच्छा ये 18 बोल रहे हो क्या भाई, तो ये 18 कहां से आए भाई, 24 मिनट में टैंक भर रहा है पूरा, तो ये 6 मिनट हो गया, तो बाकी तो 18 मिनट में भरा होगा ना, यस क्लियर है या नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, अच्छा लेवल है, बेहतरीन लेवल कॉन्सेप्ट है गाइस।
कल की क्लास जरूरी है, कल मैं बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, बहुत बेहतरीन लेवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वैसे। बताएंगे इस, ज्ञात कीजिए कितने समय एक टैंक को एक तीन पाइपों से भरा जाएगा जिनका व्यास डायमीटर कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में फिल कर सकता है और प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाली पानी की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इस बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे इस। Yes, guys. क्या आंसर आएगा इस? सेवेंटी टू की फाइन। देखो गाइस, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस या डायमीटर के स्क्वायर के, गाइस रेशो के स्क्वायर के, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि रेडियस का रेशो है डायमीटर का रेशो, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो किसका रेशो आएगा एफिशिएंसी का, क्योंकि अपने पास जो पाइप होता है ना गाइस, वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल होगा, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो एच का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, पाई कॉन्स्टेंट है, इसलिए रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर आता है, क्योंकि आपके पास जो पाइप होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच का। इस आप बताओ, तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, 1, इसी कितनी है 4/3, और इसी कितनी है 2, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 4 और कितना हो गया, 6 हो गया, तो इनकी ये इनकी डायमीटर का रेशो गाइस, तो रेडियस का रेशो भी सेम रहेगा, ध्यान रखना रेडियस डायमीटर के रेशो कभी नहीं बदलते गाइस। अब बस एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा, 9 16 और कितना हो जाएगा, 36। तो सबसे बड़ा पाइप कौन सा है गाइस, जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है 6, तो वो 122 मिनट में भरता है, तो 122 इंटू 36 हो गया, ये टैंक की क्या हो गई कैपेसिटी। अब तो बोल रहे गाइस, तो तीनों मिलकर बोल रहे हैं ना आपसे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये कितना हो गया 25, और 25 और 36 कितना हो गया, 5 जोड़ूंगा तो कितना हो गया इस 41, और फिर कितना 61, तो 61 से डिवाइड करूंगा 2 बार, मतलब 72 मिनट में टैंक भर जाएगा। यस, एब्सोल्युटली फाइन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है गाइस। क्लियर है नहीं गाइस? चलें आगे। चलो, ये भी अच्छा लेवल क्वेश्चन है गाइस। एक लड़का और लड़की एक साथ मिलकर किसी टैंक को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है, लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती, तो 100 लीटर टंकी भरने में कितना टाइम लग जाएगा, बताओ गाइस। 25 की जगह कहां पर होगा,
316 सही था, क्या दिक्कत है, बताएंगे इस। ओके फाइन, छत्तीस मिनट, ओके फाइन। और कोई, एनीवन एल्स गाइस? चलिए गाइस मैं करता हूँ। देखो इधर, जो बॉय है वो 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है, और जो गर्ल है 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती। दोनों के टाइमिंग सेव कर दो गाइस, ऐसे क्वेश्चन में दोनों को एक साथ काम करें, टाइमिंग सेम कर दो। इसको कितने से गुना कर दूं? 4 से। इसको कितने से कर दूं? 3 से। तो 4 से करूंगा मतलब ये 16 लीटर बॉय कितनी देर में भर देगा? 12 मिनट में भर देगा या नहीं भर देगा? और ये कितना गर्ल 9 लीटर कितनी देर में भर देगी? 12 मिनट में। तो 12 मिनट इसने भी काम किया, 12 मिनट इसने भी, तो दोनों मिलकर 12 मिनट काम कर रहे हैं, लेकिन भर कितना रहेगा इस? आप कहोगे 25 लीटर। 25 लीटर भर रहा है 12 मिनट में, अपने को भरना कितना है गाइस? 100 लीटर। तो कितने से गुना करूँ? 4 से। तो 48 मिनट आंसर आएगा, 36 मिनट नहीं आएगा, दोनों के आंसर गलत है, 48 मिनट आंसर आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 12 मिनट में दोनों मिलकर 25 भरते हैं, तो 48 मिनट में कितना भरेंगे? 100। एक साथ काम करते हो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट था गाइस। बताएं गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस लीलाधर बताएं, ऐसी गलतियां करने से बचे हैं। 12 × 4 = 48 होगा ना? बिल्कुल ठीक है। चलेंगे इस, क्लियर है या नहीं बोलो। तो ये अच्छे लेवल कॉन्सेप्ट है गाइस, जो मैं आप क्वेश्चन में डिलीवर करता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा डिलीवर करूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बेहतरीन लेवल कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों ने पहले भी किया होगा, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया इस टाइप का, क्वेश्चन मैंने आपसे कराया गाइस, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे, नए टाइप है गाइस। अब आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 और 16 मिनट में भर सकते हैं, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए ताकि भरी हुई टंकी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए? यदि ए और बी से निकलने वाले पानी का तापमान कितना है? 10 डिग्री और 30 डिग्री। गाइस स्पेशल क्लास आज नहीं होगी, कल होंगी 2, परसों होंगी 3, और सारी स्पेशल क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पोल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं डीआई कितना भी हायर लेवल कर दूं स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है, मतलब नहीं है फिर यार, उसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है यार। पहले क्वेश्चन को निकालो, फिर उसको टाइप कराओ, फिर उसकी टाइपिंग एरर छांटना, उसके बाद स्टूडेंट नहीं देखते तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं प्रैक्टिस ही करा दूं। क्लियर? पता है कैसे?
बताएं गाइस बताएं। 15 मिनट, ओके फाइन। थोड़ा ध्यान से करना है यार बस। देखो ये सुपर लेवल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी हम भूल जाते हैं गाइस। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ गाइस कि ध्यान से देखना, ये उस तरह का है, इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल करो। मान लो कि आपने एक गर्म पानी का नल चलाया है जिससे 25 डिग्री टेम्परेचर है, और एक ठंडे पानी का चला है 10 डिग्री, इन दोनों से आ रहा है, और आपको बाल्टी का टेम्परेचर कितना करना है, 30 करना है गाइस। ठीक है, अब आपके पास गाइस ये जो करूँगा ना मैं, इनके वॉल्यूम का रेशो आएगा, कितने कितना मैंने पानी लिया। नहाते हो जब, गीजर ऑन करते हो, तो एक ठंडे पानी गर्म पानी का किस रेशो में मिलाओगे गाइस? ज़्यादा गर्म पानी है तो एक मग का ही काफ़ी वॉल्यूम का रेशो आएगा, तो यहाँ से इनके रेशो कितना आएगा गाइस? 5 और कितना हो गया, 20 हो गया भाई। कितना है, 10 और कितना, 30 है। सॉरी गाइस, मैंने इसमें उल्टा एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, टंकी का भरी हुई टंकी का तापमान कितना हो जाएगा इस, 25 हो जाए, और यहां से जो दूसरा टैब है उससे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब आप करोगे इस, यहां पे तो कितना आएगा, 5, और यहां पे कितना आएगा इस, 15, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 1:3 हो जाएगा इस। ठीक है, यदि मैं आपसे कहता हूँ गाइस कि ए जो टैंक 20 मिनट में टैंक को भर सकता है, और बी कितना, 16 मिनट में टैंक को भर सकता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 80 लीटर मान लिया। ऐसी कैपेसिटी कितनी होगी, 4, और ऐसी कितनी होगी, 5। अब आप मुझे बता दो गाइस, 1:3 टोटल कितना हो गया, 4, 4 की वैल्यू 80, मतलब मैं इससे 20 लीटर ही भरूंगा ठंडे वाली से, और गर्म वाली से कितना भरूंगा, 60। ठंडे वाली से 20 भरूंगा, तो 20 एक मिनट में कितना भरता है, 4, मतलब 5 मिनट बाद मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ना 15 ना 16, क्योंकि आपसे बोला है कि कितनी देर बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो ए को बंद करेंगे इस 5 मिनट के बाद। बोलो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट था गाइस। बोलो गाइस, ये वॉल्यूम का रेशियो होगा, हमेशा ध्यान रखना गाइस। क्लियर है या नहीं है, बोलो। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच यार। पाइपिंग सिस्टम मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको कल डिलीवर करूंगा, कल शाम को 5 बजे 6 बजे जुड़िएगा जरूर गाइस, और उसमें और भी अच्छे लेवल कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, सारे नए क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ जुड़िएगा ज़रूर गाइस। और जो टाइम एंड वर्क की क्लास आपकी छुट्टी थी उसको मैं कल स्पेशल क्लास में डाल दूंगा, तो जिन लोगों ने देखी वो ना जुड़े, टाइम एंड वर्क की स्पेशल क्लास, जो पुराने क्वेश्चन थे, बेहतरीन 15 क्वेश्चन थे गाइस, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। यस ऋतिक, आपने तो देखी हुई है, तो ठीक है चलो। चलेंगे इस आगे, सुबह वाली क्लास में तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का टेस्ट होगा, शाम को रखूंगा 4 बजे। ठीक है, डोंट वरी, आपके पास मैसेज जाएगा। ये हमने कल गाइस पढ़े थे कुछ क्वेश्चन, जिसका मैंने होमवर्क आपसे पूछा था, और होमवर्क के आंसर बताओ कितना कितना होगा, इसका आंसर कितना आया था, मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे गाइस क्वेश्चन, याद है कुछ? 41 से 45 कल अपन ने होमवर्क करे थे गाइस, 40 तक के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे, और 41 से 45 कहा था कि होमवर्क करके आएंगे। यस, होमवर्क किया ही नहीं। मैंने कहा था गाइस कि तीनों एफिशिएंसी निकालो, यहां से देखो किस रेशो में गाइस, आपसे बोल रहा है एबीसी तीनों मिलकर, एबीसी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, जबकि ए और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 12, जबकि ए और बी मिलकर कितना, 40/3 दिन में। तो यस, एलसीएम कितना जाएगा, 120, तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15, इसे कितनी होगी, 10,
और इसे कितनी होगी 40, कितनी हो जाएगी गाइस 9। बाबू मुझे बता दो ए बी और सी की एफिशिएंसी गाइस, ए बी सी की एफिशिएंसी 15 है, ए और सी की यदि 10 है तो बी की कितनी बची होगी 5 बची होगी गाइस। ठीक है, मिडिल वैल्यू 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मुझे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, क्योंकि टोटल तो 15 है ना गाइस, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बची होगी 4। तो पैसा भाई किससे रेशो में बचेगा, 4:5:6 रेशो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर है या नहीं है बोलो। यस इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलें क्या आगे गाइस, नेक्स्ट वन, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मैंने आपको होमवर्क दिए थे वही पूछ रहा हूँ गाइस। ये होमवर्क के चारों क्वेश्चन है गाइस, अच्छे मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल आपको हमेशा अर्थमेटिक बहुत इंप्रूव करेगा गाइस। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासेस में जुड़े रहा करो, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे मुझसे। तीन व्यक्ति 7500 रुपये काम में करते हैं, पहला व्यक्ति केवल 75 दिनों काम करता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में, और उन्होंने सिर्फ 13/1/3 दिनों में चौथे व्यक्ति की मदद से काम पूरा किया गाइस। तो आप मुझे बता दें गाइस, तो चौथे व्यक्ति को प्राप्त राशि कितनी होगी, फिर से वही सेम क्वेश्चन है गाइस, एफिशिएंसी निकाल दो, आंसर करो फटाफट। सोलह सौ के फाइन, सौरभ शाह। देखो गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फिर चारों गाइस, फर्स्ट चारों मिलकर हैं ये कितना गाइस 75, ये कितना गाइस 40, ये कितना गाइस 60, और ये कितना 40/3। एलसीएम कितना ले लें, 600 ले लें, 300, 600 ले लेते हैं। तो 15/5 75, 15/4 40, और ये कितना इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, और ये कितना 15 होगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, 6 से 10 बार कट गया, 40 से कितनी बार, 15 15 3 कितने होंगे 45। आप मुझे बताओ इस कि यदि सबकी एफिशिएंसी 45 है तो ये कितनी होगी 25 33, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 आएगी या नहीं आएगी चौथी की, और चौथे की एफिशिएंसी 12 आएगी ना, तो मुझे चौथे व्यक्ति की बताना 12/45 × 100 कर दो ना गाइस, सॉरी इंटू 7500, 15/5 75, 15 3 और 3 से कितनी बार, 4 बार, तो 2000 रुपये आएगा यार, नॉट 1600। यस क्लियर है सौरभ, 2000 रुपये, एब्सोल्युटली फाइन गाइस। बताएं गाइस, अब ये दो तीन क्वेश्चन फिर छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ये आपका होमवर्क है, देख लो फटाफट, दिस इज योर होमवर्क गाइस, इसको ले लो, ये भी आपका होमवर्क है, तीन क्वेश्चन फिर से होमवर्क दे रहा हूँ गाइस। एंड यस इसको भी ले लो, ये भी आपको होमवर्क है गाइस, ये भी अच्छा लेवल कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन एसबीआई बेस पे ज़्यादा पूछते हैं गाइस। और दिन में आज मैंने एक सेशन किया था गाइस, 4 टिप्स बताई थी जो कि आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इस वीडियो को ज़रूर देखना गाइस, आपको मिल जाएगा वीडियोज़ में, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में वीडियोज़ में जाओगे, वीडियोज़ में आपके पास आज का वीडियो है गाइस, 4 टिप्स दैट विल चेंज योर माइंड टू सक्सेस गाइस, फॉर सक्सेस, प्लीज़ देखना, इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छा लेवल है, उसमें जो कंटेंट मैंने आपके लिए बोला है सही बोला है बहुत हद तक गाइस, जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सक्सेस के लिए, उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस पे डिफाइन करने की कोशिश की है गाइस, प्लीज़ उसको देखना गाइस। यस सौरभ थैंक यू सो मच, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइस।
क्लियर है गाइस? सो मॉर्निंग में कल कितने बजे? आज कराया मैंने, आज कराया मॉर्निंग में, आज 11 बजे है जो हुआ, उसको आप देख सकते हो गाइस। यस लीलाधर, कल स्पेशल क्लास रखेंगे 9 बजे, 9 या 9:30। उसमें अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा, और शाम वाली स्पेशल क्लास 4 बजे वाली में लीलाधर आप जरूर जुड़ना, उसमें क्वेश्चन अच्छे लेंगे। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है गाइस उनको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी क्या करोगे? मैच मत देखने लग जाना, राजस्थान रॉयल्स और RCB का मैच आ रहा है। चलो, मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करना है BHANUP एंड टू गेट द मैक्सिमम ऑफ गाइस। अभी आपके पास 1 ईयर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना है गाइस? 6500। इसमें आपके पास 1 ईयर यदि आप लोगे, एडिशनली 2 मंथ्स आपको फ्री मिलता है गाइस, और 2 ईयर्स का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लो गाइस तो आपको 4 मंथ्स फ्री मिलता है। ये मेगा ऑफर है अभी आपका, ठीक है? और 1 ईयर के लिए कितने गाइस? 6500 रुपये। इसको प्लीज़ याद रखें गाइस, और मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करेंगे BHANUP, तो इसमें से भी कुछ पैसे कम हो जाएंगे, मतलब ऑफ आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी पॉसिबल होगा गाइस वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लासरूम। आधे से बच्चों को तो IPL ने बर्बाद कर रखा है, मैच देखने लग जाएंगे 11:30-12 बज जाएंगे, पता ही नहीं पड़ता यार। इसलिए कह रहा हूँ सब चीज़ों को छोड़ो यार, मैच हर साल होगा IPL, अगले साल देख लेना। नौकरी लग के देखने का मज़ा ही अलग है, अपने फ्लैट में आराम से बैठ के नौकरी करके आओगे, क्लर्क पीओ की, आराम से LED बड़े स्क्रीन के ऊपर लेटे लेटे मैच देखना, कितना मज़ा आएगा, उसका सुकून ही और कुछ होगा। अभी 2-3 टेंशन होती है, इनकी क्लास मिस कर दी या क्या कर लिया, मैच भी देख रहे हो, IPL हर साल होता है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? क्लियर है गाइस? सो अभी आराम से चिल सीन रखो, खाना वाना खाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो अपनी, कल मिलेंगे अपनी स्पेशल क्लासेस में, और शाम को 6 बजे पाइप एंड सिस्टम की एडवांस लेवल की क्लास में आपके रखूंगा गाइस, और उसमें ज़रूर जुड़ने का, क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वही जो नया वेरिएंट मिला है आपको पता है, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, तो आपके पास वो खतरनाक है गाइस। तो खुद को सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच गाइस।